हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी स्टडीबर्ज और मैं हूं अनुभव गुप्ता तो यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सी यू का फॉर्म कैसे भरना है जो भी बच्चे टिस्ट एस्पिरंट्स हैं उनको इस साल सी यू के थ्रू अप्लाई करना है सो so, इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है सी यू फॉर्म फिलिंग का कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज दी हैं सी यू ने आपको अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए सो so, कैसे इसके फॉर्म को भरना है चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स जिससे पहले हम स्टार्ट करें आई वुड लाइक टू तो रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और और हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो माय इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडी बस अंडस्कोर एजुकेशन हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस तो फ्रेंड्स अगर हम सी यू टी की टाइमलाइन देखें तो जो फॉर्म्स है ट्वेंटी सिक्स डिसेंबर को आ चुके हैं और चौबीस जनवरी इसकी लास्ट डेट है सब्जेक्ट टू अगर एक्सटेंशन होती है नहीं होती बट आप बिल्कुल भी वेट मत करना इसका फॉर्म पहले ही भर देना पच्चीस जनवरी को लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की करेक्शन अगर आप करना चाहते हो तो सत्ताईस से उनतीस जनवरी के बीच में कर सकते हो एडवांस सिटी इन्फॉर्मेशन चार मार्च को आ जाएगी एडमिट कार्ड सात मार्च को डाउनलोड होंगे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ग्यारह मार्च से लेकर अट्ठाईस मार्च के बीच में स्लॉट आपका कंडक्ट होगा इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे सी यू टी पी जी कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है ये वीडियो कोर्स है जिसमें आपको 100 आर्स प्लस की वीडियोस मिलती हैं टॉपिक्स की फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलती हैं फॉर प्रैक्टिस टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं मॉक टेस्ट मिलते हैं डिटेल एनालिसिस मिलते हैं और सोल्यूशन मिलते हैं और फिफ्टी डेज का आपको डेली स्टडी टाइम टेबल भी मिलता है और ये वैलिड रहेगा आपका सी यू टी पी जी एग्जाम तक वीडियो कोर्स है जिसको आप विंडोज़ लैपटॉप एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन या आईपैड में चला सकते हो बट एप्पल लैपटॉप में नहीं चला सकते सिर्फ एक ही डिवाइस में चला सकते हैं बाद में डिवाइस चेंज नहीं हो सकता हंड्रेड आवर्स ऑफ वीडियोज आपको मिलती है क्वांस की एल की डी की वर्बल की फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट टेस्ट सी यू टी पी जी सिलेबस इसके अंदर कवर किया जाएगा इंटरेक्टिव ई बुक्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी टेन फुल लेथ सीओ क्यू पी ट्वेल्व मॉर्क्स दिए जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न पे फाइव फुल लेंथ सी ओ क्यू पी इलेवन मॉर्स दिए जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न पे कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइंड है फॉर दिस एस्पिरेंट्स और इसकी जो फी है वो थ्री ट्रिपल नाइन है जिसके अंदर आपको कोर्स वीडियोस ई बुक्स और सी यू टी मॉक्स मिलेंगे अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है सबसे पहले हमें इस लिंक के ऊपर जाना है पी जी सी यू ई टी डॉट सामर्थ डॉट ए सी डॉट इन लेकिन इससे पहले हम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट किए आई वुड रिक्वेस्ट यू फॉर्म भरने से पहले ये एफ ए क्यूज को खोल के प्लीज डिटेल में पढ़ लेना जब तक अगर आप ये डिटेल में एफ ना पढ़ लो तब तक प्लीज़ भाई फॉर्म फिलिंग स्टार्ट मत करना अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा रजिस्टर का रजिस्टर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा आएगा डाउनलोड एडमिशन बुलेटिन अब बच्चे क्या करते हैं इसको स्किप ही कर देते हैं कहते छोड़ है, दो नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है डाउनलोड कीजिए आप जिस पेपर के लिए अपीयर कर रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए इस एडमिशन बुलेटिन को डाउनलोड कीजिए इसको पढ़िए टाइम निकाल के इसको पढ़िए और जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर भी दिखेगा फ़ी स्ट्रक्चर क्या है अगर आप जनरल कैटेगरी से एक एग्ज़ाम में अपियर करना चाहते हो तो ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ है फॉर अपू तो टू टेस्ट पेपर्स और उसके बाद एक एडिशनल पेपर देने के सिक्स हंड्रेड है ओ बी सी एन सी एल की थाउजेंड रुपीज़ फॉर अप तो टू टू पेपर्स एंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ एडिशनल पेपर के लिए एस सी एस टी एंड थर्ड जेंडर के लिए नाइन हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ एंड पी डब्ल्यू डी स्टूडेंट्स के लिए एट हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ एट हंड्रेड रुपीज़ पहले दो पेपर्स के लिए इसके अलावा आपको फोटो एंड सिग्नेचर भी अपनी अपलोड करनी पड़ेगी तो उसकी भी कुछ स्पेसिफिकेशन है रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए चाहे कलर हो चाहे ब्लैक हो बट मेक श्योर कलर ही होनी चाहिए जिसमें एट्टी परसेंट फेस आपका दिखना चाहिए इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए स्कैंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जे या जेपी फॉर्मेट में ही होने चाहिए स्कैंड जो फोटो सिग्नेचर है जो स्कैन फोटोग्राफ है वो दस से दो सौ के बी के बीच में होनी चाहिए और जो सिग्नेचर है वो फोर के बी टू थर्टी के बी के बीच में होना चाहिए एंड आई थिंक ये अभी तक आपके पास अवेलेबल हो ही गया होगा रीजन बीइंग आप अभी तक बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अपियर कर चुके हैं अब आप जब इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखाएगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड और उससे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि हाँ आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली एंड मेक श्योर आपने पढ़ ली हूँ अब सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है अपना पूरा नाम डालना है फादर्स का नेम डालना है अब कुछ बच्चे सिर्फ अपना फर्स्ट नेम डाल के भूल जाते हैं और फादर्स नेम में कुछ और लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो आप यहाँ पे लिख दो अनुभव और नीचे लिख दो गुप्ता वो गलती हो जाएगी और फिर मदर्स नेम पूरा लिख दिया नहीं प्लीज़ मेक श्योर आपका पूरा नाम यहाँ पे और फिर फादर्स का नेम फादर का नेम फिर मदर्स नेम फिर गार्डियन नेम मैंडेटरी नहीं है आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो आपकी डेट ऑफ बर्थ जेंडर नेशनैलिटी आइडेंटिटी टाइप कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और उसका आपको नंबर डालना होगा जब ये सारी अपनी बेसिक डिटेल्स डाल दोगे तो फिर आपसे एड्रेस मांगेगा प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिए अपना जहाँ पे आप रह रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स डाल दीजिए सब लोकेलिटी लोकेलिटी कंट्री क्या है पिन कोड क्या है ईमेल एड्रेस उसको कंफर्म भी करना होगा ईमेल एड्रेस को मोबाइल नंबर का डालना होगा फिर मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा अल्टरनेट नंबर ऑप्शनल है मैंडेटरी नहीं है डालना उसी के बाद ये आपसे आपका परमानेंट एड्रेस मांगेगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई सेम एज प्रेजेंट एड्रेस तो प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस पे कंटिन्यू हो जाएगा और अगर आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप चेंज भी कर सकते हो प्रेजेंट एड्रेस जहाँ भी रह रहे हो परमानेंट एड्रेस जो आपका मेन एड्रेस है उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें डाल दोगे अब ये कहेगा कि भाई एक एक चीज़ कंफर्म करो कि तुमने सही डाली है अपना नेम चेक करो इसको आपको सिलेक्ट करना होगा एक एक चीज़ हाँ हम ये वेरीफाई कर चुके हैं कि हमने बिल्कुल सही डाला है तो मेक श्योर sure आप वेरीफाई करके ही इसको सिलेक्ट करो नेम फादर्स नेम ई एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस डेट ऑफ बर्थ मदर्स नेम मोबाइल नेम परमानेंट एड्रेस और हाँ कि हमने सब कुछ पढ़ लिया बार बार गलती नहीं करनी प्लीज़ थॉरली रीड कर लीजिएगा सबमिट कर दीजिए एंड सेंड ओ टू मोबाइल जब आप ओ फोन में डाल के सबमिट uh, कर दोगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर लिखा आ जाएगा यहाँ भी लिखा आएगा नॉट सबमिट नॉट सबमिटेड लेकिन इससे पहले अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म पे जाए तो मेक श्योर sure आप अपनी ई मेल भी वेरीफाई कर लो ई मेल डाल के आपको कन्फर्म करना होगा ई मेल डाल के जब आप कन्फर्म कर दोगे आपको ओ आएगा ओ जब आप एंटर करोगे तो उसके बेसिस पे जब आपकी ई मेल आई हो जाएगी और उसके बाद आप कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म करोगे जब आप कॉन्टिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म करोगे तो यहाँ पे आपके बेसिक डिटेल्स आएंगी फॉर एग्जाम्पल आप अपना जेंडर डालोगे नेशनलैटी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी कैटेगरी आपको डालनी होगी प्लीज़ मेक श्योर बिल्कुल ढंग से आप डालो पी डब्ल्यू डी अगर आप पर्सन विद डिसबलिटीज़ हो तो आप डालोगे अदरवाइज़ आप नहीं डालोगे उसके बाद फादर्स नेम आ जाएगा ऑटो पॉपुलेट पहले ही आपने डाला हुआ है फ़ादर की क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन आपको डालनी होगी मैंडेटरी नहीं है आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो मदर्स नेम मदर्स क्वालिफिकेशन मदर्स ऑक्यूपेशन आपको डालना होगा इफ़ एप्लीकेबल गार्डियंस नेम मैंडेटरी नहीं है तो आप छोड़ सकते हो एनुअल फैमिली इनकम आपको अपनी डालनी होगी और अगर कोई बच्चे ट्विन्स हैं तो भी उनको चूज करना होगा कि हाँ भाई अगर आप ट्विन्स हो तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा नहीं है तो सिंपली नो no आपको कर देना उसके बाद आपसे कोटा एंड कैटेगरी की इंफॉर्मेशन मांगेगा कि डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो या नहीं है तो वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं तो अदरवाइज नो एन कोटा अगर आप आपके पास है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो स्पोर्ट्स कोटा अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इन्होंने कुछ बेसिक बताया जोनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक आप चूज कर सकते हो उसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स डालनी होंगी और क्या आप वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी इम्प्लॉयी तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यानी कि आपके मदर फादर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर इम्प्लॉई हैं तो भी आप डाल सकते हो और फिर आपको ये सेव करना होगा जब आपने ये डाल दोगे फिर ये आपसे बोलेगा कि भाई कंफर्म कर लो एक एक चीज़ एक एक चीज़ आपको कंफर्म करनी है अपडेट पर्सनल फॉर्म का आपके पास मल्टीपल टाइम ऑप्शन आएगा आप बाद में नहीं बोल सकते कि हमसे गलती हो गई प्लीज़ फॉर्म पे आगे जाने से पहले इसको थोरली रीड कर लेना बाद में आप फिर चेंज नहीं कर पाओगे एक बार सबमिट हो गया तो अभी भी इसको पढ़ लीजिए प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन तब तक नहीं करोगे जब तक इसको थोरली रीड ना कर लो और अगर गलती हो गई है तो अपडेट पर्सनल फॉर्म आप कर सकते हो अब फिर मान लीजिए जब हम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे अब डिटेल्स आएगी आपकी अकेडमिक डिटेल्स सबसे पहले आपको डालनी है टेंथ की डिटेल्स रिजल्ट स्टेटस पास्ट पासिंग ईयर आपको डालना है क्वालिफाइंग एग्जाम आपको डालना है उसके बाद आपसे बोर्ड का नेम पूछेगा फॉर एग्जाम्पल सी बी एस है या कोई और है उसके बाद स्कूल का नेम और एड्रेस डालना है स्कूल का पिन कोड डालना है रोल नंबर डालना है जो आपकी सी की मार्कशीट पर है और रिजल्ट मोड डालना है मान लीजिए ग्रे अगर आपकी सी है तो आपको ग्रेड पॉइंट डालना है और अगर आपकी परसेंटेज है तो आप परसेंटेज चूज करोगे तो सबसे पहले आपको टेंथ की डिटेल्स डालनी है फिर सिमिलरली ट्वेल्थ या इक्विवेलेंट डिटेल्स डालनी है और उसके बाद आपको अपनी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन डिटेल्स डालनी है क्वालिफाइंग एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल आप बी कॉम ऑनर्स या कुछ भी चूज कर सकते हो जो भी आपकी है रिजल्ट स्टेटस में पास या अपियरिंग आप कर सकते हो पासिंग ईयर फिर आपको बताना होगा नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको चूज करना होगा फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे डेली यूनिवर्सिटी में उनको चूज़ करना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ डेली जो बच्चे जोन से भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में वो चूज़ करना होगा फिर कॉलेज का नेम डालना होगा और फिर रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा यूनिवर्सिटी वाला प्लीज़ कॉलेज वाला रोल नंबर मत डाल देना जो आपकी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट पे रोल नंबर है वो ही यहाँ पर आपको डालना है और फिर आपको सेव करना होगा जब आप ये सेव कर दोगे ये लिखा आएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें आप कंफर्म कर लो फिर कोई जल्दी मत करना कि प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में हम फटाफट जाके फॉर्म भर ले कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा जल्दी फॉर्म भरने के लेकिन गलत भरने के बाद में प्रॉब्लम जरूर आ जाएगी सो अंडर ग्रेजुएशन डिटेल्स जो आपने डाली है थॉरली रीड करना कि एक एक चीज़ सही है ना कोई गलती तो नहीं हो गई इसको थॉरली रीड करना गलती हो गई है तो अपडेट एजुकेशनल फॉर्म करना ठीक करना और फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करना जब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे अब आपसे एग्जामिनेशन सेंटर की सिटी मांगेगा तो आप चूज़ कर सकते हो सिटी यहाँ पे आपको स्टेट डालना है और फिर यहाँ पे सिटी चूज़ करना है और सिमिलरली यहाँ पे फिर आपको स्टेट डालना है और फिर यहाँ पे सिटी चूज़ करनी है उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन कि आप कौन कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हो वैसे तो मेजरली सी में सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी टिस है लेकिन बहुत ही जल्दी हम वीडियो भी और बनाएंगे कि आप कौन कौन से कॉलेजेस में और अप्लाई कर सकते हो मेजरली तो आपको अगर आप टिस् एस्पिरेंट हैं और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन और अगर आपके पास दो साल का वर्क एक्स है तो आप ओ प्रोग्राम के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा के अंदर एक और भी अच्छा प्रोग्राम है एनालिटिक्स का इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको एक एक करके यूनिवर्सिटी चूज़ करनी होंगी उनके प्रोग्राम चूज़ करने होंगे इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे लेकिन हाँ बहुत थोड़ा सा लंबा काम है तो इसमें आपका एडिशनल टाइम लगेगा और प्लीज़ हम इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाएंगे तो प्लीज़ मेक श्योर आप ध्यान से इसको भरें और जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपको प्लीज़ एलिजिबिलिटी पहले देख लेनी है फॉर एग्जाम्पल जो भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले क्रैश कोर्स उसमें हम सी ओ क्यू पी ट्वेल्व और जो मॉक्स है वो उसमें सी ओ क्यू पी एलेवेन को भी कवर किया जाएगा तो आप इन सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो लेकिन भरने से पहले प्लीज़ इनकी भी आप डिटेल्स देख लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो मैंने टेस्ट के लिए यहाँ पे चार पांच ऐड करी है फॉर एग्ज़ाम्पल भीमराव अंबेडकर कॉलेज के अंदर एम बी ए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एम ब और टिस्ट के मैंने तीन प्रोग्राम्स ऐड करे इनके बाद में अलग अलग कॉलेजेज में भी अप्लाई करना होगा यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी आपको प्लीज़ रीड कर लेनी है और ये सारे ही प्रोग्राम्स जो मैंने चूज़ किए हैं सी ओ क्यू पी ट्वेल्व वाले आप और भी चूज़ कर सकते हो अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करना है जब आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करोगे आप बताएगा कि आप कौन कौन से एग्जाम देना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल आप एम के लिए देना चाहते हो तो आप सी ओ क्यू पी ट्वेल्व चूज करोगे अगर आपने कोई ऐसा कोर्स चूज किया है जिसमें और सी ओ क्यू पी इलेवन है तो आप उसको टेस्ट सब्जेक्ट टू में ऐड कर लोगे लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हो तो कर सकते हो मान लीजिए आपने सिर्फ यही दो देने या और भी देने हैं तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो लेकिन मान लीजिए आप नहीं देने तो आपको हर एक के अंदर फिर नॉट एप्लीकेबल चूज करना पड़ेगा अदरवाइज आप आगे नहीं जा सकते तो मेक श्योर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री सब्जेक्ट फोर अगर आपने नहीं भरे हैं, तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल चूज करो फिर जब हम आगे जाएंगे फिर ये कहेगा कि हाँ भाई चेक कर लो कि जो आपने पेपर भरा है जो कॉलेजेस भरे हैं वो सही है ना कोई गलती तो नहीं है गलती है तो अभी भी आप अपडेट टेस्ट पेपर एंड सब्जेक्ट्स कर सकते हो बाद में नहीं कर पाओगे एक बार जब फॉर्म फिलिंग हो जाए तो इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इसको थॉरली रीड कर लेना और तभी प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन जाना जब आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन आओ अब आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहेगा यानी कि आपकी जो फोटोग्राफ है और जो आपके सिग्नेचर्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे बहुत बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं फोटोग्राफ में सिग्नेचर डाल देते हैं सिग्नेचर में फ़ोटोग्राफ डाल देते हैं तो प्लीज़ ये मिस्टेक नहीं करनी है फ़ोटोग्राफ आपको इन्हीं स्पेसिफिकेशन में दस से दो सौ के बी और सिग्नेचर चार से तीस के बी के बीच में ही अपलोड करना है और सिलेक्ट फाइल करके आपको प्रोसीड करना है एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन में आना है अब प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन में भी एक एक चीजें दोबारा आपसे पूछेंगे कि भाई दोबारा चेक कर लो फोटोग्राफ सिग्नेचर नेम डिटेल सब चीजें चेक कर लो फॉर एग्जांपल एक एक चीज पे आपसे टिक भी करवाएंगे कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो माय नेम इज अनुभव गुप्ता एज पर दी टेंथ मार्कशीट माई फादर्स नेम इज़ अशोक कुमार गुप्ता माई मदर्स नेम इज वीना गुप्ता माई डेट ऑफ बर्थ इज सो and सो माई जेंडर इज मेल माई कैटेगरी इज सो and सो so, हर एक चीज पे आपको क्लिक करना होगा बाद में आप ये नहीं कह सकते सर मुझसे गलती हो गई तो कोई भी चेंजेस करने आप अभी भी कर सकते हो उसके बाद नहीं कर सकते तो फॉर्म सबमिट से पहले इसको दो तीन बार प्लीज थॉरली पढ़ लेना क्योंकि बाद में आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा सर हमें तो एडिट करने का मौका ही नहीं मिला दे हैव गिवन यू एम्पल ऑफ अपर्चुनिटीज टू करेक्ट द मिस्टेक्स इन योर फॉर्म उसके बाद फाइनली जब आप भर दोगे तो ऐसा आएगा फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो लिखा रहे अनुभव गुप्ता मेल जनरल अनरिजर्व और फीस ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ तो अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है चाहे आप एस के थ्रू कर दो या एच डी एफ सी पेमेंट गेट वे के थ्रू चूज़ कर दो और उसके बाद जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपकी फॉर्म फिलिंग हो जाएगी इसी के साथ फ्रेंड्स आपका CUT, का फॉर्म फिलिंग हो जाएगा इसके बाद कॉलेजेस में कैसे अप्लाई करना होगा इसके बारे में हम जल्दी वीडियो बनाएंगे कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से प्रोग्राम्स में करना चाहिए इसके बारे में भी बताएंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना अगर आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है यहां पर कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ई भी कर सकते हो प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना सो थैंक्स अ लॉट ऑल द बेस्ट